दोस्तों, तुम्हें एडिटिंग तो सबने सिखाई होगी, पर मैं आज तुम्हें एडिटिंग के साथ कुछ एडिटिंग टेक्निक भी सिखाऊंगा जिनकी हेल्प से तुम्हारी वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट लेवल लगेगी। तो अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार एडिटिंग के लिए ऐप कौन सा यूज़ करें, तो मैं आपको बता दूं कि यार एडिटिंग में ऐप मैटर कभी नहीं करता, स्किल मैटर करता है। तो आप कोई भी चीज़ हो वो कोई सी भी ऐप में कर सकते हो, ठीक है। तो एडिटिंग के लिए तुम वही ऐप यूज़ करो जिसको तुम अच्छे से यूज़ करना जानते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इनशॉट। तो इस तरह का टेक्स्ट स्क्रॉल इफेक्ट तो काफ़ी वीडियो में देखा होगा, मोस्टली एल्गोरो की वीडियोज़ में। तो इसे क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसे क्रिएट करने के लिए तुम्हें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पहला पिक्सल लैब, दूसरा इनशॉट। तो स्क्रॉल इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेंगे, एंड उसके बाद जो चौथे नंबर पर बैकग्राउंड वाला आइकन है उस पर आ जाएंगे, एंड उसके बाद कलर में चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से तुमको स्लाइड करके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको डबल टैप करना है टेक्स्ट के ऊपर, फिर उसके बाद जो भी टेक्स्ट तुम देना चाहते हो वो तुम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने चैनल का नेम ऐड कर देता हूँ, ओके। तो चैनल का नेम लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद ए बी फॉन्ट में चले जाना है। यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में जाने के बाद आप कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेमन बिल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, एंड उसके बाद इसको टेक्स्ट को जो है ऊपर फिट कर दें कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में देखेंगे आप रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है, एंड सेंटर वाला आइकन सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। अब इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इसका जो कलर है, आपको साइड में कलर का ऑप्शन मिल जाए, कलर को जो है ब्लैक कलर कर देना है, ठीक है। कलर को ब्लैक करने के बाद राइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आगे जाना है एंड स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। फिर यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को जो है उस टेक्स्ट के नीचे एकदम फिट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके जो ऊपर वाला जो सेंटर का आइकन है उसे सिलेक्ट कर लेना है, तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। आप ऊपर ही ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद उसे कॉपी कर लेना है और उसको इसके टेक्स्ट के नीचे ही फिट कर देना है। उसके बाद वापस रिलेटिव पोजीशन में जाना है एंड सेंटर में कर देना है। तो इसी तरीके से तुम्हें जो एक लंबी लेयर क्रिएट कर लेनी है। तो हमने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से जमा लिया है, तो आपको भी इस तरीके से टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेना है, वो भी अल्ट्रा में, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेव टू गैलरी कर देता हूँ। सेव टू गैलरी करने के बाद आपको इनशॉट को ओपन कर लेना है। तो इनशॉट में आने के बाद यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड ऐड कर लिया है, तो आप कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो या फिर आप कोई वीडियो क्लिप भी ले सकते हो। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको साइड में PIP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको उसी फ़ोटो को ऐड कर लेना है जो अभी हमने सेव किया था, ठीक है। तो यहाँ से इस फोटो को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद इसको आप इसका साइज एडजस्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपको साइड में स्क्रॉल करने पर ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर चले जाना है, एंड उसके बाद स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद इसका साइज आप थोड़ा और बड़ा कर लेना। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से नीचे कर देना है कवर, ठीक है। कवर करने के बाद आपको उस कॉर्नर में की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको एंड में आ जाना है, एंड एंड में आने के बाद इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से ऊपर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से करने के बाद आपका जो एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट है की फ्रेम। तो इस टूल का यूज करके तुम काफ़ी सारे एनिमेशन एंड ट्रांजिशन बना सकते हो। तो अब आप की फ्रेम टूल की मदद से एनिमेशन बनाएंगे। तो एनिमेशन को बनाने के लिए तुम्हें PIP पे चले जाना है, एंड जिस भी चीज़ को आपको एनिमेट कराना है उस फोटो को ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये फिंगर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसको अपना जो इसका साइज है वो एडजस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जिस भी तरीके से एनिमेट करवाना है, जैसे कि मुझे इसे नीचे से ऊपर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नीचे ले जाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद की फ्रेम वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, एंड थोड़ा सा आगे चले जाना है। फिर उसके बाद इस जो इमेज है उसको ऊपर ले आना है, एंड उस ऊपर लाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे। तो इसका जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप इस तरीके से इसे प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हो। और इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए कि ये साइड में से होके जाए तो कैसे जाएगा, सिंपली की फ्रेम पे वापस क्लिक करेंगे,
पेन थोड़ा आगे स्लाइड कर देंगे, फिर उसके बाद इसको हम इस तरीके से साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद अब आप देख सकते हो इस तरीके से भी एनिमेट होगा। तो आप देख सकते हो और आप भी इसी तरह से कैसे भी एनिमेशन बना सकते हो। अब आता है ओवरले इफेक्ट। इस तरह के इफेक्ट मोस्टली तुमने डेकोडिंग वाईटी एंड काफ़ी यूट्यूबर की वीडियो में देखे होंगे। तो इसे अप्लाई करने के लिए तुम्हें कुछ ओवरले इफेक्ट डाउनलोड करने होंगे। तो जितने भी ओवरले इफेक्ट है और जितने भी एलिमेंट मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा, सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अब ओवरले इफेक्ट को ऐड कैसे करना है देखो। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो क्लिप लिया है, आप कोई भी वीडियो ले सकते हो। फिर उसके बाद PIP पे चले जाना है। PIP पे जाने के बाद आपका जो ओवरले इफेक्ट जिस जहाँ भी आपने सेव किया है वहाँ से आप उसे पिक कर सकते हो। पिक करने के बाद इसको यहाँ कॉर्नर में आप फुल स्क्रीन का आइकन देख रहे हो, उस पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर देना है। फिर उसके बाद साइड में स्क्रॉल करोगे तो बैक ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर चले जाना है। एंड उसके बाद इसे कर देना है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद राइट पे कर देना है। तो आपका जो ओवरले इफेक्ट है वो लग चुका है। तो यहाँ पर मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओवरले इफेक्ट है आपका अप्लाई हो चुका है। और ऐसे कोई भी इफेक्ट हो आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो तुम्हें भी इस तरह के बैकग्राउंड यूज़ करने अपने वीडियोस में, तो इनको डाउनलोड कहाँ से करना है तो चलिए बताता हूँ आपको। तो इस तरीके के बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए तुम्हें पिक्सल्स नाम की एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है उसमें चले जाना है। एंड उसके बाद आपको सर्च करना है एब्स्ट्रैक्ट मोशन बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मोशन बैकग्राउंड। फिर उसके बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। एंड आपको यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे फ्री टू यूज़ बैकग्राउंड मिल जाएंगे, वो भी कॉपीराइट फ्री, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद आता है उसे सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ बैकग्राउंड के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से जाके आप कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है साउंड इफेक्ट। तो इसको अगर तुम यूज़ करते हो ना, तो भाई आपकी वीडियो काफ़ी बेटर लगती है। और काफ़ी लोग साउंड इफेक्ट टाइम वेस्ट होने के चक्कर में यूज़ ही नहीं करते हैं। तो साउंड इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए उसे मैच भी होना चाहिए एनिमेशन के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने यूट्यूब लोग हैं उसमें दो तरीके के एनिमेशन दिए हैं। पहले वाले में मैंने कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिया है, एंड जो दूसरा लोग है उसमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिया है। अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अब इन दोनों में मैं अलग अलग साउंड इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ जो कि इनके साथ मैच करेगा। तो पहले वाला जो एनिमेशन है ये वाला, इसमें जो मैच करेगा वो है पॉप साउंड इफेक्ट। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से। फिर उसके बाद यहाँ पे इन शॉर्ट में आके आपको माई म्यूजिक में चले जाना है। फिर उसके बाद पॉप सर्च कर लेना है, एंड उसके बाद आपको इस तरीके का साउंड इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये यूज़ पे क्लिक कर देना है, एंड वॉल्यूम वाले आइकन पे क्लिक करके जहाँ पे साउंड आ रहा है वहाँ से इसे इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद जहाँ पे आपका जो लोगो है वो आ रहा है वहाँ पे आपको इसे जो है फुल जो एडजस्ट कर लेना है साउंड को, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोगो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लूँगा। सबसे पहले आप इसे टू फिंगर से इस तरीके से और ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो लोगो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने साउंड को एडजस्ट कर दिया, एंड जैसे ही आप प्ले करोगे कुछ इस तरीके से ऐड होगा, ठीक है। तो आपने देखा साउंड इफेक्ट के साथ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो है आपको आगे आ जाना है, एंड जो दूसरा एनिमेशन हम देंगे, दूसरा एनिमेशन में जो हम साउंड इफेक्ट देंगे वो होगा हिट साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो हिट साउंड इफेक्ट देने के लिए वो आपको इन शॉर्ट में ही मिल जाएगा। इफेक्ट्स में चले जाना है, एंड उसके बाद पॉपुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा हिट साउंड इफेक्ट, उस पर चेक क्लिक करके यूज़ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे भी इस तरीके से ट्रिम कर लेना है यहाँ से पीछे से, ठीक है। ट्रिम करने के बाद आपको जहाँ पे लोगो आ रहा है आपका वहाँ से थोड़ा सा पहले इसको लगा देना है इस तरीके से। इस तरीके से लगाने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखा दोनों साउंड इफेक्ट अलग अलग है, और उसके साथ ही जो है एनिमेशन हो रहा है, ओके। तो साउंड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई एडिटिंग टेक्निक कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और पार्ट टू भी चाहिए तो कमेंट कर देना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।